हम प्रियरंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अडानी विल्मार स्टॉक के बारे में। चूंकि इस स्टॉक के जो ट्रेंड रहे हैं वो अपर साइड से नियर अराउंड 70% का डाउन ट्रेंड रहा है। बहुत सारे लोग इस स्टॉक में कॉशन है और कॉशन होने को एक वैलिड रीजन भी है, क्योंकि अपर प्राइस से स्टॉक में नियर अराउंड 70% का डाउन ट्रेंड दिखा है। कुछ न्यूज ग्रुप को लेकर के है, इंडिविजुअली इस स्टॉक के न्यूज काफी कम है, कुछ न्यूज इसके ग्रुप को लेकर के दिख रहा है। क्या न्यूज है, इसके क्या ट्रेंड है, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। पहली जो न्यूज इस समय अडानी को लेकर के दिख रहा है वो ये दिख रहा है, यहाँ देखेंगे अडानी शेयर जो है वो ट्रेड मिक्स ट्रेड कर रहा है। यहाँ देखेंगे अडानी शेयर ट्रेड मिक्स आफ्टर पहली खबर इस स्टॉक में देखेंगे कि अडानी शेयर ट्रेड मिक्स्ड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिफर्स हेयरिंग इन अडानी हिंडनबर्ग केस। जो अडानी हिंडनबर्ग को लेकर के हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाया और ओसीसीआरपी जो सोरेन का जो एनजीओ है उसको कहा कि कुछ है तुम्हारे पास प्रूफ दो, क्योंकि और किसी के पास तो अब तक कुछ प्रूफ दिखा नहीं। और यहाँ देखेंगे कि जो डेट है उसको 30 तारीख के सुनवाई को के लिए टाल दिया गया। जो पहले डेट था 20 अक्टूबर उसको कब कर दिया गया, उसको कर दिया गया है 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर एक बड़ा दिन है अडानी शेयर होल्डिंग के लिए और मुझे लगता है कि इसको भी बढ़ाते दिख सकता है। इसके अलावा देखें जो अडानी इंटरप्राइजेस है, पोर्ट है और एसीसी है, इसमें एफपीआई जो है थोड़ा कॉशन हुआ है, जबकि म्यूचुअल फंड अभी भी पॉजिटिव है। और ये बड़ी न्यूज इंडिविजुअल स्टॉक के लिए है, पर इंडिविजुअल स्टॉक पोर्ट इंटरप्राइजेस और अडानी और एसीसी है, AWL जो कि अडानी विल्मार है उसको लेकर के इंडिविजुअल न्यूज कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ अगर इस स्टॉक में देखेंगे तो इस स्टॉक के जो टेक्निकल ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो ट्रेंड देखेंगे कि कंटिन्यूअस इसके ट्रेंड निगेटिव है, जबकि इस स्टॉक के डिलीवरी को देखेंगे तो डिलीवरी काफी बेटर दिख रहा है। अगर इसके डिलीवरी को देखेंगे तो डिलीवरी कंटिन्यूअस 50% के अबव है, लेकिन मैं कहूंगा कि इस समय कॉशन रहने की जरूरत है शॉर्ट टर्म ट्रेडर को। इसके चार्ट को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो ऑलरेडी अपर साइड से है, जो अपर साइड का इसका जो प्राइस था, यहां मैं आपको दिखाऊं, जो नियर अराउंड 900 के आसपास का था, और इस प्राइस से देखेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक कितने परसेंट, नियर अराउंड 62-65% के आसपास डाउन ट्रेंड है। और ये लास्ट होप जो इस स्टॉक का दिख रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर को, वो 320-28 का दिख रहा है। आप यकीन माने कि एक बार ये स्टॉक 328 के लेवल को ब्रेक डाउन किया, 328 के लेवल को ब्रेक डाउन किया तो पहला जो डाउन ट्रेंड सपोर्ट है वो है 300, 260 और 220। What is your opinion? क्या ये 200 के नीचे जाएगा या बस ये हम लोग ख्वाबों में ही रहेंगे? Real trend 364 के ऊपर, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक इस स्टॉक को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, फ्रेश बाइंग करने की बिल्कुल गलती नहीं करें, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर कितने दिन के लिए भी आप फंस सकते हैं। जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है वो इग्नोर करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि ये जो जोन आपको दिख रहा है यहां से मेजर सप्लाई आते हुए दिखेगा और ये जोन जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक स्टॉक में एक बड़ा ट्रेंड अपर साइड नहीं दिख सकता है।